गुड मॉर्निंग क्लास, ऑल ऑफ यू। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस चिल्ड्रन, यस आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 3 ज्योग्राफी ग्रेनेड सिस्टम। चिल्ड्रन, दिस चैप्टर हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस दिस ईयर ड्यू टू द कोविड सिचुएशंस, राइट? सो हियर दिस चैप्टर वी विल टेक वेरी शॉर्ट यू नो ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर ग्रेनेड सिस्टम। चिल्ड्रन, एज यू कैन सी इन दिस पेज, आर यू एबल टू सी द व्हाइट बोर्ड? ओके चिल्ड्रन, हम बहुत ही शॉर्ट में इसको एक बार समराइज करेंगे, क्योंकि आपके जो कमिंग अप चैप्टर्स हैं दैट इज रिलेटेड समवेयर, ठीक है? तो इसीलिए लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस ड्रेनेज सिस्टम। तो चिल्ड्रन, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है? इट इज एक्चुअली डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, द स्मॉल स्ट्रीम flowing from different directions, they come together to form the main river and which ultimately drains into a large water body. Yesterday we have introduced about this, right? So the area drained by a single river is called the river system, right? A particular area drained by a single river system is called the drainage. Yes, ma'am. Ma'am, the natural river basin in
Yes, exactly. The largest river basin is Ganga river basin because it is flowing in India. Indus is also there. It could be largest or Brahmaputra be largest हो सकती है. लेकिन उसका ज़्यादा major portion जो है वो different हमारे जो neighboring countries हैं उनमें चला गया. ठीक है, उनकी जो directions है flow करने की वो different countries में चली गई है flow होते हुए. That is why उनका जो हम कह सकते हैं river basin जो है वो गंगा के कंपैरिजन में छोटा हो गया. अदरवाइज दे वर इक्वली यू नो लार्ज बेसिन्स इन इंडिया. ओके, देन वी हैव आल्सो एक्सप्लेन अबाउट व्हाट आर द मेजर रिवर बेसिन्स इन इंडिया. हम इस पे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं. राइट, यहाँ पे अगर आप मैं आपको अभी एक मैप एक्टिविटी दूंगी और दैट यू हैव टू डू इन योर कॉपी नोटबुक. राइट, बिकॉज दिस chapter will be included in the map assessment. Like here, I am talking about first, that is Himalayan river. We medical bataya tha aapko. The rivers which are originating from the Himalayas glacier, these are the parallel rivers. So here, that is Indus river and its tributaries. Can you tell me what are the tributary rivers? Tributaries ka matlab kya hai? Can anyone tell me? Ma'am, the subsidiary. Okay. The subsidiary river is originating from the main river. Okay. The small streams, they are also coming from the glacier or from the mountains, and in the mid part of the middle course or in the anywhere, they are joining the main river. Right? So in this way, they are contributing. They are tributing their water. Right, they are tributing their water to the main river. Like Ganga is originating from Gangotri Glacier. वो Gangotri Glacier से originate हो रही है, but उसके बावजूद there is Ghaghra, Gandak, right, Kosi. These rivers are also coming from the Himalayas and in the middle part they are joining the river Ganga. ठीक है, so in this way they are tributing their water. This is the main stream and this these are the small streams. They are joining in the मिडिल. वो अपना जो पानी है वो अपना पानी का जो वॉल्यूम है वो ट्रिब्यूट कर रहे हैं मेन रिवर गंगा. हियर द यमुना इज ऑरिजिनेटिंग. यमुना इज आल्सो यू नो ट्रिब्यूटिंग देयर वाटर टू द गंगा. कहाँ पे मिलती है? कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद. ठीक है, आपने पढ़ा है, गए है ना, देखा है ना आपने. ठीक है, द हियर द यमुना यस यमुना यमुना इज यस. सो इन दिस वे दिस इज द कन्वर्जेंस. दिस इज द संगम प्लेस ऑफ टू मेन रिवर्स दैट इज गंगा एंड यमुना. वन मोर रिवर वाज देयर यस यस एग्जैक्टली बिकॉज इट इज अंडर द यू नो सरफेस ऑफ द अर्थ. ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती जो है वो लैंड के नीचे यानी कि अंदर से फ्लो होकर के ज्वाइन करती है वहाँ पे. ठीक है, और पहले एंशियंट टाइम में ऐसा माना जाता था कि वो दिखती थी लेकिन अब वो इनसाइड द अर्थ चली गई. राइट, ये बेटा वॉइस इज नॉट क्लियर. यस सरस्वती. यस, हम उसी के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है, पैरेनियल पैरेनियल रिवर्स हम किसको कहते हैं? ठीक है, जिनका की मेन सोर्स है ग्लेशियर, जो कि ग्लेशियर से आ रही है. ठीक है, और दैट इज वाई दे आर हैविंग अ सोर्स ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर. क्योंकि ग्लेशियर से आ रही है एंड वो रेनफॉल पे डिपेंड नहीं है. ठीक है, और उसके साथ साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं. सो इन दिस वे दे हैव यू नो थ्रू आउट द ईयर दे हैव गुड वॉल्यूम ऑफ वाटर. ओके, दीज रिवर्स विच हैव द सोर्स फ्रॉम ग्लेशियर, जिनके जिनका जो मेन सोर्स है वो ग्लेशियर है. ओके, Yes, you will take a physical map for practice. Okay?
ये मैप असिस्टेंट पे आएगा, दैट इज व्हाई मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ शॉर्ट में कि एटलीस्ट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वैसे तो है ही कि ये सारी विंडोज हैं इंडिया में, लेकिन लोकेट करना भी आना चाहिए. तो दीज आर पैरेलल रिवर्स, दे आर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयन ग्लेशियर्स. ठीक है, इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इंडस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज को हम देखते हैं, अगर इंडस बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा ये. ठीक है, मेन इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज में फाइव जो है वो चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ठीक है, एंड झेलम, ये है. इसके अलावा ये फ्लो होती हुई पाकिस्तान की तरफ चली जाती है. ये अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, जो कि हिमालय से ऑरिजिनेट हो रही है. देन दे आर ज्वाइनिंग द मेन इंडस रिवर. जो इंडस रिवर है उनको ज्वाइन करती है, लेकिन वो ज्वाइनिंग यानी जो उनका जो मीटिंग पॉइंट है, उनका जो कन्वर्जेंस होता है वो पाकिस्तान में हो रहा है. ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान से फ्लो होते हुए वो अरेबियन सी में चली जाती है. तो ये हमें लोकेट मिल करना है यहाँ पे. इसके अलावा इसकी इंडस रिवर की और एक ट्रिब्यूटरीज है जो कि जास्कर, ये दो है. ठीक है, मैं आपको मैप में दिखाऊंगी अभी. अगर आप देखेंगे तो ये मेन रिवर्स है जो हिमालय से आ रही है. ठीक है, ये इंडस रिवर आप दिख रहा है आपको जो तिब्बत की तरफ जा रही है. ठीक है, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द जास्कर रेंज. जो जास्कर माउंटेन रेंज है उसकी तरफ भी जा रही है. ये मेन ट्रिब्यूटरीज है. नहीं दिख रहा है आपको, आप दिख रहा है? ओके,
मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ मैथ में ही, ठीक है। अगर आप देखेंगे अगेन गंगा रिवर इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर नियर द उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड बॉर्डर के पास जहाँ पे हिमालय माउंटेन्स है वहाँ से ऑरिजिनेट होती है। देन इट इज इट हैव टू स्ट्रीम्स, गंगा रिवर की जो टू स्ट्रीम्स है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, दैट इज भागीरथी एंड अलकनंदा। ओके, गंगा की कितनी स्ट्रीम्स है, अलकनंदा और भागीरथी, दोनों स्ट्रीम्स ग्लेशियर से निकलती है और उनका एक जगह पे कन्वर्जेंस हो रहा है। दिस प्लेस इज नोन एज देवप्रयाग, ठीक है, इस जगह का नाम क्या है, देवप्रयाग। और यहाँ से वो स्लोप से धीरे धीरे नीचे प्लेन्स की तरफ आती है। ये प्लेन्स एरिया में एंटर, यहाँ से जब स्लोप्स खत्म हो जाते हैं तो इनका जो मेन प्लेन्स है वो हरिद्वार से स्टार्ट होता है, देन स्टार्ट एंट्रिंग इन टू द प्लेन्स। आप इसके साथ में जो कि गंगोत्री से आ रही है, दैट इज अलकनंदा एंड भागीरथी, ठीक है, ये दो टू ट्रिब्यूटरीज हैं, हम कह सकते हैं टू मेन स्ट्रीम्स हैं जो गंगोत्री से ओरिजिनेट हो रही है। एंड दीज आर यस स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे जो इनका कन्वर्जेंस पॉइंट है वो देवप्रयाग है। देवप्रयाग के बाद यहाँ से ये स्लोप्स में एंटर करती है हरिद्वार, हरिद्वार से देन इट मूव्स फर्दर, ठीक है। इसके साथ साथ एक पैरेलल रिवर आ रही है फ्रॉम द यमुनोत्री, यहाँ से यमुनोत्री स्ट्रीम स्टार्ट होती है, देन दिस कन्वर्जेंस पॉइंट इज कॉल्ड प्रयाग, ठीक है। इसके साथ हम और एक्सप्लेन करते हैं, देन वी हैव यो गंडक, ठीक है, घाघरा एंड घाघरा रिवर, सॉरी ये सागर रिवर है, घाघरा ये लिखे हुए स्ट्रीम्स आप देख सकते हैं आपके मैप में, गंडक एंड कोसी, ये फोर मेन रिवर्स जो है वो हिमालय माउंटेन से नेपाल की तरफ से आ रही है एंड देन दे आर ज्वाइनिंग द मेन रिवर। ओके, क्लियर है इतना। ठीक है, ये मेन जो हम कह
कह सकते हैं ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, जो कि नेपाल से आ रही है बच्चों, जो हिमालय से आ रही है, ठीक है। इनमें शारदा, घाघरा, गंडक और कोसी, ये फोर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, जो ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा वॉल्यूम में ट्रिब्यूट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा प्लैटून ट्रिब्यूटरीज भी हैं। प्लैटून ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा कौन सी है, जो कि प्लैटून से ओरिजिनेट हो रही है, और वो हम कह सकते हैं कि जैसे मैं अगर मैं ईस्ट की तरफ, गंगा कहाँ से निकल रही है, नॉर्थ से, नॉर्थ पार्ट से ओरिजिनेट होती है, और ओरिजिनेट होने के बाद वो ईस्ट साइड में फ्लो हो रही है, ठीक है। जब मैं ईस्ट साइड को जाऊँगी तो मेरी जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि गंगा की जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, वो है शारदा, घाघरा, गंडक और कोसी। लेकिन मेरी राइट साइड की जो ट्रिब्यूटरीज है वो प्लैटून से मुझे ज्वाइन कर रही है, जिनमें की चंबल, चंबल
अरुणाचल प्रदेश में जब वो एंटर होती है ये रिवर सांगपू रिवर, तो वहाँ पे हमने उसको इंडियन नेम दिया है बिहार। ठीक है, बिहार रिवर जब बहती है इंडिया में असम में आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र से बहते हुए वो फिर यहाँ पे डेल्टा रीजन बनते हैं सुंदरबन डेल्टा रीजन, उसके बाद ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल। ओके, यस बोलिए। और
निजाम सागर, ये दो ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि गोदावरी को ज्वाइन करने के इन बिटवीन। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ, ठीक है, अनंत रिवर्स में गोदावरी रिवर जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे कभी आया कि व्हाट इज दक्षिण गंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए गोदावरी इज नोन एज दक्षिण गंगा, यानी कि साउथ की गंगा रिवर। ओके, देन कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर इज ऑल्सो ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स महाबलेश्वर, ठीक है, यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है। देन ऑरिजिनेट होने के बाद इट इज जॉइंड बाय वन ट्रिब्यूटरी दैट इज तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, वो ज्वाइन करती है और ज्वाइन करने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाती है। देन लास्ट दैट इज कावेरी, कावेरी इज अगेन ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द कार्डमम हिल्स इन कर्नाटका, कर्नाटका से कोडागु, कार्डमम हिल्स जहाँ पे ताल कावेरी नाम से हम जानते हैं इसको, यहाँ पे कार्डमम हिल्स है वहाँ से ऑरिजिनेट हुई है। देन आफ्टर ऑरिजिनेटिंग इट इज फ्लोइंग इन द ईस्ट, थोड़ा सा यहाँ से आप देखेंगे कर्नाटक से ऑरिजिनेट होते हुए देन इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द वे ऑफ बंगाल। ओके, ये सारी जितनी भी रिवर्स हैं ये डेल्टास बना रही है, डेल्टास बनाने के साथ आपको ये अलग अलग थ्री फोर लाइन्स दिखेंगी आपको हर डेल्टा रीजन पे, वो एक्चुअली में क्या है बच्चों, जो रिवर जब जब ओशन की तरफ जाती है तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है जब रिवर अपना पानी अब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कब करती है, वो एकदम लास्ट में जाके डिस्ट्रीब्यूट करती है जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। ओके, तो एक बार आपने शुरू में पढ़ा था ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी यानी कि जब अदर स्ट्रीम्स, अदर वाटर स्ट्रीम्स ज्वाइनिंग द रिवर दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी, यानी वो अपना पानी ट्रिब्यूट कर रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी इसका मतलब क्या है, ये जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी मेन रिवर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स वाटर डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स और जनरली ये डेल्टा रीजन बनाती है इस तरीके से डी फॉर्म में व्हेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर वाटर एंड मूविंग टुवर्ड्स द ओशन। क्लियर फ्रेश
इंडिया में नेचुरल लेक्स के भी नेम्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि नैनीताल में है, ठीक है। आपको वाइट बोर्ड दिख रहा है स्टूडेंट्स, वाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। जो भी हमने पहले एक्सप्लेन किया है मेरी आपको शायद होगा, आपने लिखा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आई विल सेंड यू मार्क असाइनमेंट वर्क, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको इसमें रिवर्स एंटीट्यूटिस शो करना है और लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स, सॉल्ट वाटर लेक्स और फ्रेश वाटर लेक्स, राइट, ये पॉइंट्स आपको शो करना है। Okay, is there any problem? किसी को कोई प्रॉब्लम है?